हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लम्बिंग ऑन सिविल और चैनल में। तो इस वीडियो में हम बॉडी शावर का किस तरह से फिटिंग करते हैं, यह हमारा जगुआर का डाइवर्टर है और ये उसकी ड्राइंग है जिसके हिसाब से हम उसकी फिटिंग करने वाले हैं। तो आपको जगुआर का बॉडी शावर डाइवर्टर फिटिंग करना है तो इस वीडियो में ये जो ड्राइंग है इसको आप सेव कर ले, उस हिसाब से भी आप उसका बॉडी शावर का डाइवर्टर फिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमने उसको कितना कंसील करा है वो भी आपको बताता हूँ कि दीवार से आप उसको आधा इंच, जो हमारा कवर है ब्लैक कवर, वो आधा इंच का ही गैप रहना चाहिए। तो इतना गैप में क्या होता है कि टाइल एक इंच आगे आती है तो उतने में हमारी जो डाइवर्टर की प्लेट रहती है वो प्रॉपर तरीके से बैठती है। और ये जो शावर का पॉइंट है ये हमने ऊपर टेम्परेरी रखा है ताकि ये ऊपर बाद में सीलिंग में शावर का पॉइंट देने वाले है, ये सीलिंग शावर रहने वाला है। और ये बॉडी शावर के तीन पॉइंट है और सबसे नीचे का स्पॉट है। ये जगुआर का बॉडी शावर डायवर्टर की फिटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके लिए हम ऊपर प्रेशर पंप भी बिठाने वाले हैं ताकि इसमें प्रेशर अच्छा आए। और इस बाथरूम में गीजर के पॉइंट नहीं है क्योंकि हम ऊपर हीट पंप बिठाने वाले हैं, तो हीट पंप बिठा रहे हो तो उसको गीजर का पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये सेपरेट पाइपलाइन है जो फ्लश वाल को रहने वाली है, वो भी सेपरेट है जो टॉयलेट को आने वाले कमोड के लिए, वो 1.5 इंच की पाइपलाइन है। और बाथरूम के लिए 7 इंच की यूज़ करा है। और सोलर के लिए जो बाहर से आने वाली है वो 1 इंच की है और अंदर 1.25 इंच की है। और इधर के साइड में देखो दोस्तों, यहाँ पे बाथ टब की फिटिंग करने वाले हैं हम। और ये जो दो पॉइंट छोड़े वाले हैं हमने, ये बाथ टब के लिए है। इसमें से एक गर्म का है और एक ठंडे पानी का है जो कि बाथटब बिठा टाइम में उसमें फिटिंग करना पड़ेगा। और इधर से जो गर्म ठंडे का दो पाइप जा रहा है ये बेसिन के लिए है। यहाँ पे टेबल टॉप बेसिन आने वाली है, ये भी जगुआर का टू वे डाइवर्टर है जो बेसिन डाइवर्टर कहा जाता है इसे। टेबल टॉप के लिए ये बहुत बढ़िया है, इसमें से गर्म पानी भी जाता है और ठंडा पानी भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इसका फुल वीडियो आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर देना, तुरंत ही आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल जानकारी मिल जाएगी, इसकी फिटिंग कैसे करी जाती है। तो इसको आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुँचे।